अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोयाबीन के कबाब लखनवी अंदाज में बनाने जा रहे हैं। एक कटोरी सोयाबीन लिया है, एक कटोरी चने की दाल ली है, चार पांच लाल मिर्चें, दो दो टुकड़े दालचीनी के, एक चम्मच काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, चार पांच लौंग, एक चम्मच जीरा, दो तेज पत्ते, एक चम्मच नमक और तलने के लिए तेल। अब ये दाल को और सोयाबीन को आधे घंटे तक भिगो के रखेंगे सादे पानी में। उसके बाद में इसको पकाना शुरू करेंगे। दाल और सोयाबीन को भिगो के आधा घंटा हो गया। मैंने सोयाबीन को निचोड़ के पानी से निकाल लिया, दाल का पानी निकाल लिया। अब मैं इसको कुकर में डाल के पकाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने दाल डाली, इसमें सोयाबीन डालूंगी, उसके अंदर मसाले डालूंगी, मिर्च डालूंगी, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, जीरा, काली मिर्च को मैंने क्रश कर लिया, क्रश कर डालूंगी काली मिर्च और नमक, सब चीज़ डाल के इसमें एक कप पानी डालूंगी। एक कप पानी डालने के बाद इसको आधे घंटे के लिए गलने के लिए, सोयाबीन और दाल गली के नहीं गली। देखिए दाल गल गई है, सोयाबीन भी गल गया। अब इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। जब ठंडा हो जाएगा इसको पीस के फिर इसके कबाब बनाएंगे। जब ठंडा होने के बाद अब ये चने की दाल सोयाबीन का मिक्स पीसेंगे जाके, फिर इसके कबाब बनाएंगे। आपको पीस के लिए कबाब में डालने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और दो मिर्चें उसको हमने बारीक काट लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके थोड़ा 5 मिनट उसको रख करके किसके कबाब बनाएंगे। 5 मिनट हो गए, अब हम इसमें कबाब बनाना शुरू करते हैं। के तैयार हो गए, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेज आंच पे फ्राई करेंगे। हमारा गरम हो चुका है, ये हमारी तेज आंच पे इसको हम तलेंगे। पाँच मिनट के बाद में हाफ गैस को स्लो कर देंगे। पाँच मिनट के बाद गैस हम स्लो कर देंगे, उसके बाद में इसको पलटेंगे। नीचे हो गए होंगे तभी पलटेंगे, नहीं तो फिर उसको 5 मिनट बाद फिर और देख करके फिर पलटेंगे। अभी नहीं, तेज आंच करेंगे, उसके बाद में कबाबों को डालेंगे।
5 मिनट हो गए, अब हम आँच कम कर रहे हैं। आँच पर पक रहे हैं, धीरे धीरे पक रहे हैं, इसको चेक करते रहिएगा। तेज आँच पे मत पकाइएगा, नहीं तो जल जाएंगे कबाब। गैस बंद कर रहे हैं, 5 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। सोयाबीन के कबाब बन के तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी एंड स्वीट रेसिपीज़ है, इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।